जय कन्हैया लाल की, आरती की पाल की, जय कन्हैया लाल। देख सकते हैं मेरा मंदिर अब पूरी तरीके से सज चुका है, बलून वगैरह लगा दिए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। कैसे हो आप सब लोग? तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आप लोग भी बोल दीजिए हैप्पी जन्माष्टमी। इन्होंने सुबह से व्रत रखा, अब इनको रहा नहीं जा रहा, और बल्कि मैंने इनसे मना करा था कि बच्चे नहीं रहते हैं, फिर भी नहीं मम्मा मैं व्रत रखूंगा, मैं व्रत रखूंगा। हाँ तो खाओ ना, और बिल्कुल ये फ्रिज की मत पीना, ठीक है? कन्हैया लाल की। तो चलो लेट नहीं करती हूँ, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह की पूजा वगैरह मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ शाम के 6 बजे से। तो पहले जो शाम की संध्या आरती है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो चलो चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो सुबह चढ़ाए हुए फूल थे वो सारे हटा लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स सबसे पहले संध्या आरती जो मैं डेली करती हूँ तो पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की। तो फ्रेंड्स बच्चे और हस्बैंड लगे हुए हैं बलून को फुलाने में, तो यहाँ पर बलून भी फूल चुके हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले लगाए आती हूँ मंदिर में, लगा लिया दीपक और तुलसी मैया के आगे रख देती हूँ दीपक, और जो मेन गेट है वहाँ लगाने जाऊँगी। तो फ्रेंड्स पूजा के जितने भी बर्तन थे वो एक दिन पहले ही मैंने धुल लिए थे, और ज़रूरत है तो और धुल के मैं लेकर आ जाऊंगी नीचे से, जैसे ये झूला वगैरह और उनका आसन है, ये सारी चीज़ें पहले ही धुल के रख ली थी। और लड्डू गोपाल को ये ड्रेस मैंने सुबह ही नहलाकर पहना दी थी, अब मैं इनको बिठा लूँगी बढ़िया झूले में। और देख सकते हैं पहले पीला आसन बिछाया, फिर मैंने नया धुला हुआ लाल आसन बिछाया है। पर मैं जो शाम का पूजन है वो कर रही हूँ, सारे लड्डू गोपाल को मैंने दिन मुदने से पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लिए थे, तुलसी के पत्ते, और यहाँ पर दीपक वगैरह लगाकर मैं रख देती हूँ। लाया है मामा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि अभी मैं यूज़ करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बैक कैमरा करके आपको सारे जो भी मैंने मंगाए प्रोडक्ट, और ये वाला जो मंगाया मैंने विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, तो ये अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है। तो चलो मैं अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गोटू कोला, जो कि हमारे स्किन के लिए एक ये ऐसा इंग्रेडिएंट है गोटू कोला जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, सारे के सारे केमिकल फ्री होते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं आपको बैक कैमरा करके सारी डिटेल देती हूँ। फ्रेंड्स ये है मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गोटू कोला, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, और स्किन में हमारे जो भी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं एज के हिसाब से, तो उसको भी ये कम करता है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गोटू कोला है, और यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रखे हैं, और भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्लास्टिक पॉजिटिव और वी रिसाइकल। तो जितना भी प्लास्टिक मामाअर्थ यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा टन वो रिसाइकल कर देता है। तो मामाअर्थ की ये खास बात बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा है ये मामा टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, बिल्कुल लाइट वेट में आता है,
और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमारी स्किन में एक्ने पिंपल को नहीं आने देता है, अगर आ भी गए हैं तो उनको बहुत जल्दी ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये केमिकल फ्री हैं। तो फ्रेंड्स, मामा अर्थ के जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, आपको पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो इनकी वेबसाइट है मामा अर्थ की, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आपको अपना कोड बताऊँ, मेरा कोड है IVZ2022 फॉर ए 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मामा अर्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये आपका लिंक है वो उनकी वेबसाइट से जोड़ते हैं और आपके नाम का लगाते हैं एक ट्री, और आपको बाकायदा एक फ़ोटो भेजती हैं जियो लोकेशन से। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ जाकर चेक करिए। अगर आप बेबी के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको मामा अर्थ की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जो कि बेबी किड्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे भी मैं बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे पंचामृत भी बनाना है, तो पहले नीचे चल के खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, आधा बनाती हूँ, फिर आके वापस से पंचामृत बना लूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। नायशा देखो, पूजा, नायशा देखो, अच्छी लग रही ना? ये क्या है? हाथ ऐसे नहीं करते, ऐसे दिखाते हैं। उसमें जन्म होगा शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का, तो उनको उसके अंदर बंद किया गया है, 12 बजे उनका जन्म होगा। तो चलो अब चलते हैं नीचे, ठीक है? पी लो, मैं सर्दी हो रही है। तो फ्रेंड्स, पूजा के जब मैं बर्तन धोने के लिए नीचे लाई थी तो उसी वक्त मैं दूध चढ़ाकर चली गई थी और ये चावल भी भिगोकर चली गई थी, तो जिससे चावल अच्छे से थोड़े फूल गए हैं। और अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ खाना। तो चावल फूल गए थे, एक मुट्ठी चावल लिए हैं 2 किलो दूध में, तो बस खीर बहुत अच्छी बनती है। जितने चावल हम कम डालेंगे ना तो उतनी हमारी खीर ना अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, एक तरफ खीर बन रही है और इधर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, क्योंकि पूड़ी के साथ में ना कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी ही बना रही हूँ सिर्फ भोग के लिए, और एक बनाऊंगी पनीर की सब्जी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च, मेथी दाना, थोड़ी सी हींग से ही बस तड़का लगाया है, और जितना ही सिंपल खाना बनाओ ना बहुत टेस्टी बनता है। और कुछ लोग मेरे खाने को देखकर ये भी कहते हैं कि बिना प्याज का खाना कैसे बनता है, तो कभी खा कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है, और वो भी अगर भगवान को भोग लगाया हुआ खाना होना तो उसकी तो बात ही कुछ और है। अगर हम सिंपल खाने को भी अगर कह दें कि ये भगवान का भोग है तो उसका भी टेस्ट बदल जाता है। तो चलो, अब मैं सब्जी, मैंने एक तरफ तड़का लगा दिया है, यहाँ मैंने पनीर भी कट करके रख लिया है, और यहाँ पर ये टमाटर है, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए मैं टमाटर कस ले रही हूँ। और यहाँ पर फ्रोजन मटर लिया है, टमाटर मैंने कस के रख लिया है, और साथ में सारी तैयारी मैंने कर ली है पनीर की। तो एक तरफ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर और बादाम डाल दिए हैं खीर में। तो यहाँ पर इस बार मैं ले रही हूँ नॉनस्टिक पैन पनीर के लिए, तो यहाँ पर पनीर थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। इस बार मेरा मन था कि मैं कच्चा जो पनीर होता है यही मैं ग्रेवी में डाल के बनाऊँ बढ़िया, पर मम्मी जी मना कर रही थी कि कच्चे में ना टेस्ट नहीं आता है गौरी। तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा इनको फ्राई कर लेती हूँ, तो मैंने इनको थोड़ा फ्राई कर लिया है, और अब बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्जी। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, काली मिर्च डाली हैं, 2 से 3 लौंग डाली हैं, 2 और
तेज पत्ता डाला है मैंने और सीधे मैंने जीरा डाला है मैं कह रही हूँ सीधे, और फिर इसके बाद मैंने डाल दी टमाटर की प्यूरी और फिर डाल दूँगी यहाँ पर सारे मसाले, जैसे थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्च, हल्दी वगैरह सारे मसाले, और फिर जो हमने फ्रोजन मटर रखी थी इसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बस उसको डाल दिया है। अब डाल दूँगी पनीर और जितना आपको लिक्विड चाहिए उसके हिसाब से इसमें बस पानी डाल दें। तो मेरे घर में 6 से 7 मेंबर हैं तो किसी को पनीर की सब्ज़ी पसंद है किसी को नहीं, तो उनके लिए कद्दू की सब्ज़ी बनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उबाल आ चुका है तो अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ, थोड़ा सा डाल दूंगी ऊपर से हरा धनिया। टाइम हो रहा था 9:30 और बच्चों को लगी थी भूख दोनों बच्चों के लिए, तो मैंने कहा पहले मैं भूख निकाल कर ऊपर रख के आ जाती हूँ और उसके बाद में ही सबको खाना दूंगी, क्योंकि जिनका फास्ट नहीं है वो क्यों 12-1 बजे तक भूखे रहेंगे हमारे साथ में। हमारा है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का है, पिंकी दी का है और पापा जी का है, मम्मी जी और बुआ जी बच्चों का नहीं है। अनिक ने पूरा दिन रखा था फिर उन्होंने छोड़ दिया था शाम को। फ्रेंड्स मार्केट से भी मैंने कुछ मिठाई मंगाई थी, मैंने सोचा ये भी मैं साथ में भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में 12 बजे लड्डू गोपाल का स्नान कराया जाएगा पंचामृत से और फिर वो धनिये का भोग लगाया जाएगा, तो वो मैं दोबारा मतलब भोग लगा दूंगी शाम को। पर अभी तो ये बच्चों को भले मैं लड्डू ना दूँ पर खाना तो वो खाएंगे शाम को, और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए वो भी खाएंगे, तो इसलिए मुझे अभी लगाना पड़ रहा है भोग, नहीं तो फिर भोग भी ना रात में 1 बजे 12 बजे ही लगता है, उन्हें मतलब पूजा करते करते 1 ही बच जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा मंदिर अब पूरी तरीके से सज चुका है, बलून वगैरह लगा दिए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है, बस 12 बजे का इंतजार है। यहाँ पर तुलसी दल रख लिया है लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, और ये ड्रेस मैंने इनको सुबह पहनाई थी, बढ़िया नई ड्रेस, नई माला और एक ड्रेस ये रखी है। इनको कपड़े चेंज कराए जाएंगे अभी नहलाने के बाद में, और खीरे में मैंने सालिग्राम को रख दिया है और पंचामृत भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, बलून ला रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। खाना मैंने ढक दिया है, आरती की भी तैयारी कर ली है यहाँ पर, आरती की थाली। तब वो कृष्णा निकलेंगे। हाँ कृष्णा जी निकलेंगे इसमें से, आपने ककड़ी में लगा दी है। हाँ चलो अब हम 12 बजे तक इंतजार कर। फ्रेंड्स अब 12 बज चुके थे, 12:08 पे बहुत अच्छा मुहूर्त था, तो चलो अब स्नान कराए, इसमें निकाल दो और पंचामृत में डाल देना फिर स्नान कर दो। आ जाओ अब इधर बाहर निकाल के यहाँ स्नान। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इस तरीके से होती है लड्डू गोपाल जी की पूजा और इस तरीके से जन्म करवाया जाता है, आपके यहाँ किस तरीके से होता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब जो लड्डू गोपाल जी हैं इनको भी स्नान कराया जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो कहते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखे जाते, तो मैंने एक को कान्हा बना दिया है और एक को इनके जो भाई हैं बलराम उनको बना दिया है, तो उनको तो मैंने सुबह ही बढ़िया स्नान वगैरह करा कर रख दिया था। तो अभी देख सकते हैं पापा जी ने पंचामृत में बेचारे हमारे लड्डू गोपाल को लिटाल दिया, मैं बड़ा प्यार से इनको मतलब नहलाती हूँ। तो यहाँ पर वस्त्र पहना रहे थे फिर मैंने पहना दिए, पापा जी को पहनाते नहीं बन रहा था, और फिर अब कर रहे हैं हम लोग आरती। मुरारी थी,
तो कृष्ण जन्मोत्सव हम लोगों ने मना लिया है पूरी फैमिली ने, और बस अब जो थोड़ी बहुत पूजा जो मेरी बची है वो मैं अब कर लूँगी। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि फिर हम लोग खाना वगैरह खाने चले गए थे। एक बार से फिर से आपको दिखाती हूँ मेरे कान्हा को। और वैसे तो ये रात ना पूरी रात जगने की होती है, पर तो सबकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर होता है, तो मैं तो पूरी रात नहीं जगूंगी, बस थोड़ी देर अभी और पूजा करूंगी, उसके बाद फिर नीचे जाके खाना वगैरह सबको दूंगी और खुद भी खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर